भगवान की पिताई को प्रेम मानन ये साथ कब तुम्हें छोड़ दे रहा है ये साथ छोड़ दे रहे हैं कभी बलराम जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो सके तो
इसका पालन करना चाहिए, इस व्रत का होना ही है। आदि दैविकता होगा, ठीक है, तताप से बचना है, तथा कथा मृतम तप्त तो जीवन। भौतिक जगत में है तो ताप मिलेगा ही हमें, आश्चर्यचकित नहीं होना। तो माधव तिथि है, इसका पालन हो सके तो प्रयास करना चाहिए, अच्छे से करें। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम एकादशी तिथि व्रत का पालन अच्छे से करते हैं, कृष्ण वसती वसती बोल भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त हो जाता है, हो सकता है। सत्ता क्यों लगाया गया? अच्छे से पालन करेंगे, भजन करेंगे तो आपको इसी जन्म में, नहीं तो फिर अगला जन्म में कुछ निश्चित भी नहीं है। आपका यदि भक्ति 100% हो गया, विल गो बैक होम बैक टू, मतलब प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, उस प्रेम को यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें भगवान का धाम जाने से कोई कोई रोक सकता है। और इस दुनिया में प्रेम करते रहेंगे तो इस दुनिया में ही क्या बोलते हैं उसको, आलू टिक्की का छोला खाते रहे, ऐसे ही अजीब ही करा आहार निद्रा, इससे ऊंचे उठकर ऊपर निकल के भगवान की भजन भक्ति करना है। भाई आज एकादशी तिथि एक कामिका एकादशी है, इस एकादशी तिथि के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में 5 मिनट केवल सुनने से, इस एकादशी के बारे में सुनने से भगवान का धाम मिल सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले एक फल बता दिया, सोचिए इसमें लिखते हैं परंपरा रहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे महाराज, आषाढ़ श्रावण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम क्या है? तो कामिका बोलते हैं, बोलते हैं कि देखो युधिष्ठिर, यही प्रश्न नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे, ठीक है, तो आप सुनो, उसी को मैं सुनाने का तुमको प्रयास करता। तो कहते हैं कि इस एकादशी का जो पालन करते हैं, पालन मतलब से आप लोग तो कर ही रहे, अतुलित खाना है, चावल दाल भुजिया अचार पापड़ नहीं खाना है, तो जो इस एकादशी व्रत का पालन करेगा उस जीवात्मा का गुणगान गंधर्व करेंगे, नाग करेंगे और देवी देवता भी। अच्छा महादेव जी एकादशी व्रत रखते हैं? वैष्णव है तो वैष्णव नाम, जो अपने को वैष्णव कहते हैं कि मैं क्या हूँ, भगवान विष्णु का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, राधा रानी का भक्त हूँ, उनको एकादशी व्रत। अब जगन्नाथपुरी के पंडा को मत बोलिएगा कि तू कहानी करते हो, वो लोग नित्य पार्षद है। कुछ लोग प्रेमानंद महाराज के भी जो अनुगत में है वे लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं एकादशी व्रत। बोले क्यों नहीं प्रभु जी? उन लोगों की जो वजह है, महाराज कहते हैं प्रेमानंद महाराज टॉप लेवल पे, वो इन लोगों से बच गए, आगे निकल गए। किसी इस्कॉन वाले ने प्रश्न पूछा कि आप लोग एकादशी व्रत का पालन क्यों नहीं करते हैं? जिसको रसगुल्ला मिल रहा खाने का गुड़ खाएगा, जिसको टॉप चीज मिल रहा है तो क्यों जाएगा इधर? इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए कि धाम में होकर एकादशी व्रत का पालन नहीं करते। आप नहीं समझ सकते कि धाम में रहकर क्या कर रहा है, हो सकता है राधा रानी से बात कर रहा हो, ऐसे बहुत लोग छिप छिप के भक्ति कर रहा है, लेकिन इस्कॉन में निष्कंटक रहते हैं, मतलब अकिंचन की तरह रखते हैं, लगता है कि दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो कौन जाता है कितना डीप प्रेम है कृष्णा के लिए, राधा श्याम सुंदर के लिए उनके हृदय में,
हो सकता है कृष्ण बलराम आते हो, उनसे बात करते हो, इसलिए धाम में जाकर ही नहीं करा सके। अरे ये तो एकादशी व्रत नहीं कर रहे, ये हमारे लिए है, जो धाम से क्या हो गए हैं अलग है उनके लिए। इसलिए जो व्रत का पालन करते हैं उनका गुणगान गंधर्व और नाग देवता, नाग के लोग देवी देवता भी करते हैं। दूसरा, जो इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे यमराज उनकी चर्चा, इतना नाम जाप करो कि हद कर दो, ताकि यमराज भी खाता, अनंत कृष्ण महाराज ही बोलते हैं, सुने हम लोग, इतना नाम जपो, इतना नाम जप हद कर दे, एक दिन यमराज को भी खाता करना पड़ेगा, कर देंगे, बंद करो भाई तो सुबह सुबह उठ जाना है, इसका रद्द करो, पूरा फाड़ेंगे वही खाता, अब वही खाता कृष्णा के पास चलेगा, इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए। और जो आज के दिन तुलसी मैया को एक तुलसी का पत्र दान करता है, अर्पण करता है, किनको? तुलसी पत्र किनको अर्पण करता है? जगन्नाथ जी को, चरणों में भोग लगाते हैं हम लोग, तो उसको 200 ग्राम सोना दान करने का फायदा मिलता है और 500 ग्राम जिसकी इच्छा हो, हम सोना दान कर चाहता नहीं तो आज तुलसी पत्र ठाकुर जी के चढ़ा दे जा और मिल जाए, क्लियर बात? ठीक है, सब लोग दान करना चाहिए, इच्छा पूरा हो जाए, ठीक है। और आगे बोलते हैं कि जो आज के दिन तुलसी मैया को घी का दीपक जला करके परिक्रमा करते हैं, उनकी अर्तन वर्जन अर्चना वंदना करते हैं, वो इतना पुण्य कमा लेता है कि चित्रगुप्त महाराज उसके पुण्य को गिन भी नहीं पाते हैं कि कितना पुण्य हो गया, कुछ विचार आ रहा है? वैसे वो पापियों का लेखा जोखा रखते हैं लेकिन पुण्य को नहीं गिन सकते हैं, तुलसी माता केवल घी का दिया दिखाने से, इसलिए जो सुबह नहीं दिखा पाए होंगे संध्या में जाकर के दिखा लीजिए। और जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है सभी प्रकार के दोषों, पाप, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देने का जो पाप लगता है, जैसे इंद्र को लगा था, किसको मारे थे इंद्र? ब्रह्म हत्या लगे था, और भ्रूण हत्या जो गर्भ में ही मार देते हैं लोगों को, भ्रूण हत्या समझते हैं, गर्भ का नाश करना, वो भी यदि पाप हो चुका है तो केवल इस व्रत का पालन करने से इन सभी पापों से हम इतना उत्तम है कार्य से। और अंत में इसकी महिमा को सुनने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला होगा तो पढ़ने वाला भी तो सूर्य कल्याण होगा तो जाएगा ना, दोनों लोग भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। इसलिए मैंने सुनाने का प्रयास किया और इधर पढ़ने का प्रयास किया कि आपका भी कल्याण और पीछे पीछे शुभकामिका एकादशी महामहोत्सव की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं इस एकादशी के दिन श्री कृष्ण, श्री अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन मिश्र के द्वारा स्थापित सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, और आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं दया और कृपा की भी की याचना करता हूँ कि मैं तुच्छ छोटा सा जीवात्मा हूँ, बद्ध हूँ, इंद्रियों विषय के पीछे भाग रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी इंद्रियां कठोर हो जाए और ये इंद्रियां भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहे 24x7x365। अतः आप सभी लोगों के उस सुंदर सुंदर चरण कमलों में हमारा प्रणाम है। वंशांत पुत्र विश्व उपासना नाम कामने वर्ष में गुरु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पिताई गौर प्रेमानंदे। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवत महापुराण कैंटो 6 चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 12 39 14 ठीक है ना?
नहीं बोलता नहीं है, बोलिए है नाराज है, बोलिए नहीं पढ़ना है बाहर। तो कोई बता सकता है कि प्रसंग क्या चल रहा है? एनीबॉडी? मैं सोच रहा था पूछूंगा कि किस तरह का प्रसंग चल रहा है भागवत में, क्या चल रहा है अभी आप बताइए। नहीं मत आप बताइए, वो तो हो गया अभी, जो कल श्लोक हुआ किसका उपदेश था कौन बताएगा? नहीं सुना गया किसका उपदेश हुआ कल 11 नंबर कुंदन मोहन प्रभु जी, इसको इसी तरह दीजिए बताइए, थोड़े से ऊपर कर दीजिए, भद्राणी को ऊपर करिए, ऊपर करिए, छिपाइए इसको छिपाइए, हाँ बस बताइए कल किसने बोला है श्लोक? पंकज प्रभु जी बताएंगे किसका इस सब क्या चल रहा है, कल प्रवचन हुआ क्या हुआ, किसने बोला श्लोक पिछला बताइए, ये नहीं मालूम है। आओ जीवात्मा सुने, जीवात्मा किसके पुत्र ने बोला? राइट है ना, जीवात्मा बोला है 4 से लेकर 11 नंबर श्लोक तक, ये सब जानिएगा ना तब भागवतम को पकड़ पाएंगे आप। ये बहुत चंचल, जैसे भगवान चंचल है ना, भागवतम भी बहुत चंचल है, इसको आप क्या समझते हैं कागज के पन्ना, इसके एक एक शब्द प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ पर महाप्रभु कहते हैं, एक एक शब्द एक एक अक्षर अनेक अर्थ कहते हैं इसके भागवतम, जैसे भाग भगवान के अनंत नाम है, अनंत शक्तियां हैं, असंख्य हैं, इसलिए इस भागवतम की असंख्य व्याख्या हो सकती, इसको हमें जानना चाहिए कि पिछला श्लोक कौन बोला और आज कौन बोल रहे हैं। नीचे उतरिए, ब्रह्मलोक से नीचे आइए पृथ्वी लोक पर, बादरायणी वाच। तो हम लोग प्रायण हम ही कर लेते हैं, आप लोग मत हो रहिएगा। बालघ्यनो वृणीतास्तत्र, बोलिए ऊपर ऊपर करिए ऊपर प्रभु जी, और ऊपर नेक्स्ट 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 श्लोक है 14 लगाइए, बस बस नीचे हो, हाँ बोलिएगा इसको, बोल सकते हैं ना आप लोग, बाल घनो वृणीतास्तत्र बाल हत्या अह बाल हत्या हता प्रभा बाल हत्या व्रतं चेरु ब्राह्मणयन् निरूपितुं यमुनायां महाराज पढ़ते हैं, कोई एक व्यक्ति बोल दीजिए, बोलिए बोलिए एनीबॉडी, चेरु किया ब्राह्मण
पुरोहितों के द्वारा किया जो निरूपितम कथित यमुनायाम यमुना नदी के तट पर महाराज हे राजा परीक्षित स्मरंत्य स्मरण करते हुए द्विजभाषितम रावण के द्वारा दिए गए आदेश अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की रानी कृत दुति की सौते जिन्होंने बालक को विष दिया था अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर कांति विहीन हो गए। हे राजन शोक करते हुए उन्हें अंगिरा मुनि के उपदेश स्मरण हो गए और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे यमुना के तट पर गईं, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। तात्पर्य ध्यान से सुनने के तात्पर्य बहुत ही प्रैक्टिकल तात्पर्य है। इस श्लोक में बाल हत्या हसव प्रभाव पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बाल हत्या की प्रथा दीर्घकाल से मानव समाज में चली आती रही है, किंतु उस समय यह बिरले ही की जाती थी। किंतु आजकल कली काल में गर्भपात रूढ़ हत्या एक सामान्य बात हो गई है। यहाँ तक कि कभी कभी जन्म के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी जाती। यदि कोई स्त्री ऐसा जघन्य कार्य करती है तो वह धीरे धीरे अपना शारीरिक सौंदर्य खो देती है। बाल हत्या हतप्रभा, यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन स्त्रियों ने बच्चे को विष देने का घोर पाप कर किया था वह अत्यधिक लज्जित थी और उन्हें ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। यदि किसी स्त्री ने कभी ऐसा दुष्कृत किया हो तो उसे प्रायश्चित करना होता है, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी दशा में जो स्त्री बाल हत्या की अपराधी होती है उसे इस जीवन में तथा अगले जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। इस घटना को सुनकर सत्यनिष्ठ आत्माओं की को बाल हत्या से विरत होना चाहिए और अपने दुष्कर्मों के लिए अत्यंत गंभीरता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपनानी चाहिए। यदि कोई निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का महामंत्र का जप करता है तो तुरंत ही उसके सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि ऐसे कर्म पुनः न करें क्योंकि यह अपराध है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नमो। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनी इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग चल रहा है। प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा चित्रकेतु के पुत्र का नाम था हर्ष और शोक, क्या नाम था 999 रानियों के द्वारा मिलकर विष दे दिया गया तो मर गए। तो चित्रकेतु महाराज रोते हैं, उनकी पत्नी जो बड़ी कृत द्विति वो भी रोती है, सगे संबंधी भी रोते हैं कि एक ही पुत्र था जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला था
ये भी बेचारा मर गया। परंतु उसी बीच अंगिरा मुनि उपदेश देते हैं, नारद मुनि उपदेश देते हैं, और अंगिरा मुनि को उपदेश देने के बाद चित्रकेतु महाराज का मन पूरी तरह भगवान में आवेशित नहीं हो पाता है, तो नारद मुनि उस मरे हुए बच्चे को जिंदा कर देते हैं और उसी से प्रवचन करवाते हैं। बोलो, चौथे नंबर श्लोक से लेकर के जीव उवाच 11 नंबर श्लोक तक वह जीवात्मा बोलना शुरू करता है, तो उसका बोलना विराम हो गया, ठीक है। अब जब बोलना विराम हो गया तो यह कथा सुखदेव जी परिचित को हरिद्वार में सुना रहे, तब सुखदेव जी बोलते हैं, श्री बादरायणी उवाच इति उदिया कतो जीवा स्नेह श्रृंखला। श्री बादरायणी उवाच, यह बादरायणी किसको बोला जा रहा है? सुखदेव जी। तो सुखदेव जी को वादरानी क्यों कहा जाता है बताइए, मतलब जोर बोल, जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? वासुदेव जी को वेद व्यास जी को उर्मिले माता सुना था, क्या बोले बुलाइए तो नहीं सुनाई, पूरा नहीं सुनाई थी, जल्दी बोलिए फिर से। सुखदेव गोस्वामी के पिता वेद व्यास को जो है बादरायण बोला जाता है, इसलिए उनके पुत्र हुए इसलिए उनको बादरायणी बोला जाता है। आपको सुनाई दिया है? बता, आप बता दी, छोड़ो मंजू मत बताइए, अभी बोले, अभी आपको बोलना है, बोलिए भगवान के 27 अवतार, उनको वादरायण कहा जाता, तो उनके पुत्र हुए सुखदेव जी, इसलिए उनको वादरायणी कहा जाता। क्लियर भाई? थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब जो बोल रहा है तंदा पीछे वाला डिवोटी, ध्यान से सुनना चाहिए तब हम उसको समझ पाएंगे। तो फिर प्रश्न होता है कि वेद व्यास जी को वादरायण क्यों बोला जाता है? नहीं, हाँ भला कारण, दूसरा कारण राजप्रभु बताए वेदव्यास जी को वादरायण क्यों कहा जाता है? तो वही बताना है आपको, रिपीट रिपीट करिए। बेर वृक्ष के नीचे उन्होंने भागवतम को बोला कि लिखा। अच्छा, वेदव्यास जी लिखे कि बोले हैं? लिखा किसने है और एडिट किसने किया? जैमिनी ने। ये तीन लोग मिलकर भागवतम की रचना की है। वेद व्यास जी तो समाधि में थे और राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे थे और उसके अनुसार बोलना, इसलिए समाधि का ग्रंथ है, जो सुनता है उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो इसके पीछे आचार्यों का दो मंतव्य है, बदरायण के बचते वेद व्यास जी को सम्यप्रास आश्रम हिमालय के तलाटी में जाएंगे तो सरस्वती नदी, सुनाई दिखे देता तुम्हें, सुनाई देता सरस्वती नदी जो अभी क्या है, लुप्त अवस्था में है, लेकिन हिमालय में है, तो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर एक वृक्ष था, उसका नाम था
बदल ब्रिज, यानी बदल को हिंदी में बही बही पहले बनेगा बही कहा बे, जो सबरी ने राम जी के लिए चक चक के रखा था वही बे। तो उसी वृक्ष के नीचे इन्होंने स्नान किए, आचमनी किए और भक्ति योगे न मनसा सम्यक प्रणीते, भक्ति योग के द्वारा एक मन पूरी तरह भगवान में लग गया। और अपश्यतम पुरुषम पूर्णम मायाम च तद आश्रय, और उन्होंने अपश्यत देखा, किसको देखा, पुरुषम मतलब भगवान श्री कृष्ण को देखे, पूर्ण पुरुष है वो। कहेंगे प्रभु हम भी तो पुरुष हैं, हम प्रकृति हैं, हमें पुरुष का शरीर और स्त्री का शरीर प्राप्त है। हमें पुरुष इसलिए कहा जाता है कि हम नौ तरह के द्वार वाले शरीर में पड़े हुए हैं। इसमें नौ द्वार है देख लीजिएगा, घर जाके काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसलिए हमें पुरुष कहा जाता है। तो देवव्यास जी समाधि में चले गए, बदल ब्रिज के नीचे भगवान को देखे, श्री राधा कृष्ण का दर्शन किए, और ये भी देखते हैं कि कैसे उनकी जो माया शक्ति है पूरी तरह बस में है, किनके बस में है, भगवान के कंट्रोल में है। और ये भी देख रहे हैं कैसे माया जीवों को तड़पा तड़पा कर साधु के हृदय में करुणा प्रकट हो, बोले इस जीवात्मा जो माया के द्वारा कष्ट आदि दैविक आदि भौतिक और आदि प्राप्त कर रहे हैं, इनसे कैसे बचाया जा सके। तब उन्होंने भागवत बोलना, तो उस वृक्ष के नीचे बोले, वृक्ष का नाम क्या था, बदल वृक्ष, इसलिए उनको बादरायण कहा जाता। फिर ये भी कहते कि जो आश्रम था उनका, उस आश्रम के आंगन में एक बैर का वृक्ष था, इसलिए भी इनको बादरायण कहा जाता। पुरुषम, ये पुरुषम बड़ी सुंदर है, भी कहते हैं पुरुष लिबरेटेड मुक्त है वो, हाँ सेवा करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू शास्त्र गुरु और गौरांग के अनुसार। आचार्य कहते हैं, इसको भी मैं कह देता हूं इधर, कि बिना शास्त्र को श्रवण किए यदि हम सेवा करेंगे तो केवल उत्पात करेंगे, उत्पात समझते हैं। इसलिए फिलोसफी बहुत जरूरी है, जीवन में सार्थक करी कर पर पहले अपने आप को समझाना है कि मैं कौन हूं, दास हूं चाहे दास अनुदास, काम क्रोध ये सब तीन नरक के द्वार है, ये मुझे अपने को समझना पड़ेगा। तब सामने वाला जो हमारे सामने आए और चाहे परिस्थिति स्थिति जैसी भी हो, उस समय हमें क्रोध नहीं करेंगे, तब जाके शास्त्र के अनुसार जीवन चल रहा है। यस और नो, हम ना बोलेंगे आचरण में है हमारे, हम खुद कर रहे हैं कि त्रिविद्या नरकस्य द्वारा काम क्रोध एवं लोभ च, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। एक रसगुल्ला मिला पेट में, प्रभु जी दुगो नहीं मिली तो ना, सुनने से नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में करना पड़ेगा, दैट इज वो होना चाहिए। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है, सिद्धांत बहुत जरूरी है, सिद्धांत के बिना आचार्य कहते हैं सेवा करेंगे दो चार लोगों को मंदिर से भगा देंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से जो भक्ति से बेचारा विलग हो जाए। अनंत कृष्ण महाराज को एक बार गीता काटने के लिए गए थे, क्या नाम सुमित्र, बोले गीता काटिए महाराज, बोले मेरा काम काटने का नहीं है, मैं तो जुड़ने का काम करता हूँ। सी सन्यासियों की चेतना तो देखिए ना, मैं काटता नहीं हूँ सुमित प्रभु, मैं जोड़ता हूँ, जोड़ता हूँ। और जो माता थी सीएस माता, उनसे कटवाए सीधा चेतना महाराज। हम डिवोटी हैं, हमारा काम है जोड़ना,
किससे? चाहे मन से, वाणी से, किसी भी तरह से ऐसा आघात ना करे, वो जीवात्मा ठाकुर के पास आया है और आना ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि ठाकुर बहुत अप्रसन्न होते हैं कि बोले तो जीव मंदिर आता नहीं, आता है नहीं आता है, आ गया तो उसे इतना प्रेम दीजिए कि दोबारा यहाँ से ये भाव होना चाहिए। जो निवली लोग आते हैं उनका टेक केयर अधिक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोसेस करके हम एक से इक्कीस, बाईस, तेईस बढ़ेंगे तब जाके हमारा कॉन्ग्रीगेशन और बढ़ेगा और सुदृढ़ हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्रचार के मोमेंट है, प्रचार करना है। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि चित्रकेतु के लोग सब लोग शरीर के लेवल पे थे इसलिए शोक कर रहे थे। जो व्यक्ति शरीर के लेवल पर आता है क्या करता है? शोक करता है। अर्थात देहात बुद्धि का लक्षण है शोक करना, राइट है? देहात बुद्धि का लक्षण है ना, जो अपने को देह ही समझता है शोक करेगा। अर्थात यदि हम भी अपने को शरीर मानेंगे तो इस शरीर से जुड़े माता पिता भाई बंधु यदि नहीं रहा तो भाग्यवश तो हम अपने भी शोक में डाल लेते हैं। इसलिए बड़ा सावधान रहना है, हमें हमेशा याद रखना है कि हम भगवान के दास हैं, थे और रहेंगे। और भगवान के दास को अर्थात आत्मा को कभी न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न इसकी जन्म होती है न मृत्यु होती है। न जायते मृते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। 220 भगवद गीता, कभी नहीं मरता है आत्मा, जन्म नहीं लेता, शाश्वत है, पुराण है, कब से है भगवान बताएंगे। इसलिए अब अगले सूक्त में सुखदेव जी कहते हैं कि चित्रकेतु ने उस मरे हुए बालक को शरीर को ले जाकर क्या करना होता है? दाह संस्कार, जो सब करते हैं। और उसके बाद सभी सभी संबंधी जितने भी लोग थे सबका जो स्नेह था टूट गया और सब लोग मोह शोक भय और दुख से क्या हो गए? ऊपर हो गए। तो सब लोग यही थे, रहते शोक में थे, मोह में थे, लोभ में थे। तो मोह किस लिए होता है? वर्तमान, मोह वर्तमान के लिए होता है ना, कि मेरा पुत्र था कहीं चला ना जाए। मोह वर्तमान के लिए होता है कि भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए। और शोक कि फलाना अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, उसको याद करके शोक करते, राइट, याद रखिएगा। और भय फ्यूचर के लिए कि सब लोग मर रहे हैं, हम भी कहीं ना मर जाए, क्या होगा, स्थिति कैसी है। और दुख अपने आप को शरीर समझना ही दुख का कारण है। अब बड़ी सुंदर उपदेश है कि शरीर उस उन लोगों ने शोक मोह दुख कैसे त्यागे? उपदेश को सुनकर। हम भी भागवत को, भगवत गीता को, गुरु को सुनेंगे तो हमारा भी शोक मोह भय और दुख है खत्म हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएगा। इसलिए सुनना चाहिए। इसलिए सूत जी कहते हैं यस्याम वैसुर्य माणायाम, कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोकमो भयापहा। इस श्लोक को जैसे रोज सांस लेते हैं ना, जरूरी है, इसी तरह इस श्लोक को तो बिल्कुल उठते हुए शोकमो भयापहा कैसे जाएगा? यस्याम वय सूर्य, शास्त्र सुनने से, समझने की बात विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद नहीं कहते, समझ में आया अच्छा है, सुन रहे हैं सूर्य माणाया, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अभी आप भागवत सुन रहे हैं, कोई चिंता है आपको?
घर का ताला बंद है कि चोरी हो जाएगा, इधर चिंता है आपको? नहीं चिंता है, जबरदस्ती बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। और भागवत जो सुन रहे हैं सूर्य महायाम है, भक्ति उत्पत्ति थी, भक्ति कर रहे हैं। तो भागवत सुनना भक्ति है, और ऐसी भक्ति करने से सुख मोह भय तीनों से हम ऊपर हो जाते हैं। एक प्रश्न नहीं होता कि भागवत जब हम सुनते हैं तो कैसी भक्ति की प्राकट होता है जिससे सुख मोह भय और दुख सबका विनाश हो जाता है, प्रश्न होता है कि नहीं होता है? तो बता दीजिए, भक्ति कितने प्रकार की होती है बताइए, भक्ति कितने प्रकार, भक्ति कितने प्रकार, भक्ति कितने प्रकार, भक्ति कितने प्रकार, 64 प्रकार की भक्ति होती है। अच्छा, भक्ति भक्ति अमृता माता कितने प्रकार की भक्ति होती है, 10, 20, 30, 40, भक्ति कितने प्रकार, पीछे से मदन मोहन प्रभु, भक्ति कितने प्रकार, ठीक है, अब टर्म खत्म ना होगा, भक्ति 64 प्रकार की भक्ति होती है। बताइए नाम, क्या नाम है, अमित राय, भक्ति कितने प्रकार की होती है, नौ, भक्ति कितने प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामेशन, दो पढ़े आप लोग, हाँ राजू स्वामी बताइए भक्ति कितने प्रकार, आपने प्रश्न भी पूछा था, मैंने आपको हिंट दे दिया, याद करिए, हाँ भक्ति रसामेशन तो पढ़े हैं, उसमें भक्ति कितने प्रकार के वर्णन की गई है, सुनाई दे रहा है, तेज बोलिए ना थोड़ा सा, तीन प्रकार की, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, कौन कौन, आप बता दें, बोलिए, ये शक्ति है भैया, भगवान की शक्ति, अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामेशन तीन तरह की भक्ति होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और एक बार चर्चा कर चुके हैं, श्लोक है लगाइए, श्लोक भेजा मैंने, नहीं भेजा, हाँ भेजा तो है, भेजा है।